हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं। दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम इज वेरी प्रोमिनेंट फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। अगर हम बात करें एक बुद्धिस्ट स्टूपा की, एएसआई ने रिसेंटली डिस्कवर करी है एक 1300 साल पुरानी बौद्ध स्तूपा। कहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया है, क्या क्या इसके प्रोमिनेंट फीचर्स है, क्या क्या रादर चेंजेस हमको देखने को मिले हैं एज अ पार्ट ऑफ दिस स्तूपा, किस तरीके से ये बुद्धिस्ट लिटरेचर की अगर हम बात करें, बुद्धिस्ट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री एंड विद रिस्पेक्ट टू द आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया क्या क्या प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगे, आज के क्लास में हम सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि कहाँ पे एएसआई ने इस स्तूपा को डिस्कवर करा है। ये 1300 साल पुरानी जो स्तूपा है एक माइनिंग साइट है उड़ीसा के जजपुर डिस्ट्रिक्ट में, कोंडलाइट माइनिंग साइट, वहां पे इसको डिस्कवर किया गया है। हम कोंडलाइट जो माइनिंग साइट है, ये प्लेस कोंडलाइट स्टोन्स के लिए बहुत जानी जाती है और कोंडलाइट स्टोन्स बेसिकली 12वीं सदी में श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज हुए थे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द स्टोन्स इन इटसेल्फ एंड दिस पर्टिकुलर साइट इन इटसेल्फ एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। अगर हम फीचर्स की बात करें तो एएसआई ने क्या क्या चीजों को फाइंड करा है इस पर्टिकुलर साइट पे। स्तूपा 4.5 मीटर के करीब टॉल हो सकती है, जहां पे इनिशियल असेसमेंट ये बताता है कि 7वीं-8वीं शताब्दी को ये बिलोंग करती है। ये पाराभादी में के पास में फाउंड की गई है, जो कि ललितागिरी के पास में सिचुएटेड है, जहां पे बहुत सारे बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्सेस, स्तूपास, मोनास्ट्रीज, रादर अगर हम बात करें अ प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा इस एरिया में। ललितगिरी जो बुद्धिस्ट साइट है, दिस इज एक्चुअली जो ललितागिरी अगर हम बात करें जो बुद्धिस्ट साइट है, दिस इज बिलीव टू बी द मोस्ट सेक्रेट अमंग द थ्री साइट्स अमंग ललितागिरी, रत्नागिरी एंड उदयगिरी, क्योंकि यहाँ पे जो मैसिव स्तूपा निकली थी, यहाँ पे एक रेलिक था बुद्धा का विच वॉज डिस्कवर्ड इन साइड अ स्टोन कैस्केट। कोंडलाइट स्टोन्स की अगर बात करें कि कोंडलाइट स्टोन्स की क्या प्रोमिनेंट अगर हम बात करें क्या प्रोमिनेंट एरिया है इनका, क्यों ये जाने जाते हैं, एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है जो कि पाया जाता है ईस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया वाले एरिया में, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोंडलाइट साइट्स, कोंडलाइट स्टोन्स फेमस क्यों है, क्योंकि 12वीं शताब्दी के अराउंड ये जगन्नाथपुरी टेम्पल को ब्यूटिफाई करने में यूज किए गए थे। इसका नाम आता है फ्रॉम द कोंडलाइट ग्रुप ऑफ रॉक्स, जो कि प्रोटोजोइक एरा में समवेयर अराउंड 1.6 बिलियन इयर्स अगो फ्रॉम टुडे इट वाज फॉर्म्ड। कोंडलाइट का जो अगर आप कॉम्पोजिशन देखोगे ना, जो कोंडलाइट पत्थर होता है उसमें फेल्सपार, क्वार्ट्ज, माइका, ये सारे के सारे मेजर कॉम्पोनेंट्स होते हैं और एक डिस्टिंक्ट पिंकिश ग्रे सा कलरेशन दिया जाता है इसमें, ठीक है। कोंडलाइट स्टोन्स की अगर हम डिटेल में बात करें तो कॉमनली एक डेकोरेटिव पत्थर या सजावट के पत्थर की तरह इसको यूज होता है, लेकिन इसी के साथ साथ इसको कंस्ट्रक्शन में भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ड्यूरेबल है और वेदर बहुत जल्दी नहीं होता है, वेदरिंग को रादर रेजिस्ट करता है। कोंडलाइट स्टोन्स की अगर हम बात कर रहे हैं, वाइडली यूज किया जाता है प्राचीन जो पुराने मंदिर है उनमें, और यहाँ पे एस्थेटिक वैल्यू इसका मेंटेन रहता है। बहुत सारे जो हाई सिक्योरिटी जोन्स हैं, जैसे जगन्नाथ वल्ला पिलग्रिम सेंटर, वहां पे इसको यूज किया जाता है। अब क्योंकि ये बुद्धिस्ट रेलिक, बुद्धिस्ट स्टूपा शामिल हुई है, सामने आई है, इसीलिए एक इंपॉर्टेंट सेंटर और आता है डिस्कशन का, स्तूपा क्या होती है और इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो स्तूपास बेसिकली वो बरियल माउंट्स होते हैं जो कि इंडिया में वैदिक समय से प्रोमिनेंट है, लेकिन बुद्धिस्ट कल्चर जब आया तब ये अपने हाइट पे पहुंचे। तो स्तूपास में एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसके टॉप पे एक सर्कुलर अंडा होता है और एक हर्मिका के साथ साथ छत्र होता है टॉप पे। तो ये जो सर्कुलर ड्रम है जिसको हम हेमिस्फेरिकल माउंट बोलते हैं, ये माउंट होता है डर्ट का, इसको यूजुअली यूज किया जाता है ताकि हम बुद्धा की जो रिमेन्स है उसको हम लोग किसी न किसी तरीके से कवर कर पाए। हर्मिका जो होती है वो स्क्वायर रेलिंग होती है ऑन टॉप ऑफ द माउंट, और इसके साथ आता है छत्र जो कि एक सेंट्रल पिलर होता है ट्रिपल अम्ब्रेला फॉर्म में। अगर हम इस पर्टिकुलर फिगर से देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो अलग अलग पाथवेज है, तो एक अपर लेवल का एम्बुलेटरी पैसेज देखने को मिलेगा आपको, तोरंस देखने को मिलेंगे दोनों साइड्स पे, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड, छत्र मिलेगा विच इज द टॉप नॉट स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा, जैसे हमारे मंदिरों में कलश होता है या ध्वज होता है, उसके नीचे आपको हर्मिका देखने को मिलेगी जो कि एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है, और उसके नीचे ये जो स्तूपा का डोम है ये आपको अंडे की फॉर्म में देखने को मिलेगा। अगर हम बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल्स की बात करें कि भाई कौन सी स्तूपा हिंदुस्तान में है, कहाँ पे पाई जाती है, हमारे पास है सांची स्तूपा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वंस जो कि मध्य प्रदेश में है, अशोकन स्तूपा की सबसे प्रोमिनेंट, पीपरहावा स्तूपा जो उत्तर प्रदेश में है, अगेन अमंग्स द ओल्डेस्ट वंस इन इंडिया,
स्तूपास को बुद्धा की डेथ के बाद अलग अलग जगहों पे बनाया गया था, जिसमें से बिहार, राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, वेथापीडा, पावा, कुशीनगर और पीपलीवन। और इसी के साथ साथ हमको एक सर्कम एम्बुलेटरी पाथवे में राजस्थान के बैराज में भी स्तूपास देखने को मिलेंगी। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम बात करें स्तूपास की, अगर हम बात करें एंशियंट इंडिया के लिटरेचर की या रादर आर्किटेक्चर की, बहुत सारे सवाल यूपीएससी कंटिन्यूअसली पूछते आया है इसे। इट्स वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, आउट ऑफ द गिवन फोर स्टेटमेंट्स कौन सा सही है? अजंता केव्स लाई इन द गॉर्ज ऑफ बाघोरा रिवर, सांची स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर, पंडुलेना केव्स श्राइन लाई इन द गॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर, अमरावती स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ द गोदावरी रिवर। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा, आपको आंसर भी इसका वहीं पर मिलेगा। एंड 2016 का मेंस का आंसर क्वेश्चन भी एक आया था कि जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट है, व्हाइल डिपिक्टिंग फोक मोटिव्स एंड नैरेटिव सक्सेसफुली एक्सपाउंड्स बुद्धिस्ट आइडियल्स इलुसिडेट। सो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को लिखिए, ट्राई टू शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन द टेलीग्राम चैनल्स एंड हम लोग इसको असेस करेंगे। वी विल बी शेयरिंग द मॉडल आंसर्स विद यू सून सो दैट यू गेट एन आइडिया किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट इंडिया से फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर एट अन अकेडमी, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अन अकेडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड एवरीवन। गुड डे गाइस।